हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कच्चे केले के चिप्स बना रहे हैं। जिसको जैसे ये है कच्चा केला, मैंने थोड़ी सी चिप्स बना के रखी हैं। मैं आपको बता दूं मैंने कैसे ये बनाया है। मैंने एक तरफ तेल भी चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। ये देखिए हम इसको बनाना को ऐसे छील लेंगे। इसको ऐसे छील के ये पूरा छिलका हम इसका उतार देंगे। इतने हमारा तेल गर्म हो रहा है। मैंने ये बस पूरे बनाना के का छिलका हटा लिया है। ये देखिए ऐसे अब हम इसकी चिप्स निकालेंगे। तो मैंने एक कद्दूकस लिया है जिससे जो चिप्स कटर है, इसकी चिप्स मैंने ऐसे बनाई है बड़ी बड़ी। ये देखिए ऐसे पूरी चिप्स निकल रही है, ऐसे पूरा स्लाइस निकल जाएगा। फिर ये पूरा हाथ में नहीं आता तो इसको थोड़ा तिरछा करके मैंने ये थोड़ी पतली कर ली है। अभी पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ मैं। तेल मेरा गर्म हो गया है। तेल मेरा लगभग गर्म हो गया है। अभी ये थोड़ा सा पीस डाल के देखते हैं तेल हुआ है नहीं हुआ है। अभी तेल नहीं हुआ है। इसको थोड़ा मैंने हाई टू मीडियम के बीच में रखा हुआ है। बाकी इतने में बाकी बनाना की भी चिप्स बना लेती हूँ। अब हम इसकी दी गोल बना लेंगे। जैसे नॉर्मल मार्केट में बिकती है बनाना चिप्स गोल वाली, वैसी हम बना लेंगे। मैंने इसमें कोई भी मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है। जब ये चिप्स बन जाएंगी उसके बाद में नमक और काली मिर्ची जो भी आपका टेस्ट हो उसको डालकर आप खा सकते हैं। बिना उसके भी ये खाई जा सकती हैं। देखिए ये चिप्स ऐसे तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है क्योंकि मेरा मैंने ये डाल दी है। बाकी मैं यहाँ पर ये चिप्स बना लेती हूँ। अभी हमें इन्हें हाथ नहीं लगाना है। थोड़ी देर बाद जब ये थोड़े ब्राउन सी लगने लगेगी तब हम इनको पलट लेंगे। ये हो रही है अब इसको हम पलट लेते हैं। बाद में हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा ब्राउन और हो जाएगी तो फिर हम इसको बाद में निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ा सा और थोड़ी देर और इसको फ्राई करेंगे जिससे बनाना का जो भी कच्चापन होगा ना वो सब निकल जाएगा। मैंने ये चिप्स ऑलिव ऑयल में बनाई हैं। आप इसे किसी भी तेल में बना सकते हैं। सरसों के तेल में बनाने के बाद में थोड़ा येलोइश कलर आ जाता है इनका। ये अभी थोड़ी वाइट आपको नजर आ रही होंगी। देखिए फ्रेंड्स ये हो गई है। थोड़ा इनको एक बार पलट लेते हैं। एक बार पहले पलटा था मैंने, एक बार मैं इनको अब पलट लेती हूँ।
ये बहुत पतली हैं तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऐसे ही मैं सारी चिप्स बना लूँगी। ये गोल वाली भी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चिप्स बना ली हैं। इसको देखिए, इसका टेस्ट लीजिए। अगर आपको इसमें नमक या काली मिर्ची या कुछ और चाट मसाला वगैरह डालकर खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी कुछ नहीं डाला है मैंने। तो आप इसको खाइए, इसका मज़ा लीजिए और लाइक, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ कैसी बनी है।